विराजन साहब, अब आपने पढ़ा नहीं है बजट, बजट पढ़ा नहीं है, जैसे आपने वीर सावरकर को नहीं पढ़ा है। आपको पता नहीं कि 37 में गांधी जी ने जाकर सावरकर जी के पैर छुए थे, आपको पता नहीं है। कहेंगे तो पन्ना दिखा दूंगा, रिकॉर्ड दिखा दूंगा। आपको तो यह भी नहीं पता है, संविधान को लेकर के नारे लगाते हैं, अगर ये बता दें कि संविधान सभा में राजस्थान से कौन से सदस्य थे तो मैं मान जाऊं कि इनको कांग्रेस का अध्ययन है। ये अशोक गहलोत जी के नाम बता दे तीनों तो मान जाऊं, ये राजेश पायलट जी का पूरा नाम बता दे तो मान जाऊं। मैं तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक एक नाम लेकर के आपसे कह रहा हूं कि अगर शिक्षा, पूर्व शिक्षा मंत्री जी ऑब्लिक मिर्जा इस्माइल द्वारा जयपुर की प्लानिंग का हम इससे प्रेरणा लेकर शहरी ग्रामीण क्षेत्रीय विकास के लिए कटिबद्ध, इनके बजट में है ये दिया। हाँ, इसको बदल देंगे, मिर्जा इस्माइल की जगह गोविंद देव मार्ग रहेगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए। मिर्जा इस्माइल को निकाला गया था मैसूर से, आपको पता नहीं है। कृपया बोलने दीजिए, कृपया बोलने दीजिए विराजन साहब। मैंने ये कहा आपसे कि अगर आप शिक्षा मंत्री रहे, माननीय सभापति जी के माध्यम से कह रहा हूं, जब से राजस्थान बना है तब से शिक्षा के क्षेत्र में पहला स्थान राजस्थान ने कब प्राप्त किया, किसके नेतृत्व में प्राप्त किया, अगर आप यह बता दें तो मैं मान जाऊं। आपको नहीं पता, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आपको जानकारी नहीं है, आप राजनीति में निष्णात हैं और ज्ञान में अज्ञात हैं। माननीय सदस्य, आप इधर देखिए। सभापति महोदय, आप शांत रहें सब।